नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। वास्तुयश के इस स्पेशल एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं नारायण मूर्ति और सत्यम के लिंगराम राजू के बारे में। आज का विषय है बिजनेस एथिक्स। सो आज हम डिसाइड करने वाले हैं और या देखने वाले हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर यानी आपकी बर्थ डेट आदमी की किस प्रकार से आदमी को निर्भर करती है कि किस प्रकार से वो व्यवहार करें। तो बिजनेस एथिक्स किसके ऊपर हमको समझ में आते हैं, इसकी चर्चा आज करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नारायण मूर्ति का इन्फोसिस आज बहुत चर्चे में है। हाल ही में विशाल सिक्का जिन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया, और उनका कहना था कि जो को फाउंडर यानी बेसिक फाउंड मेंबर्स जो है उनकी वजह से उन्होंने रेसिग्नेशन दिया है। वास्तविकता इन्फोसिस वॉज डूइंग वेरी गुड फाइनेंशियली एज सच, सो इट वॉज अ प्रोग्रेसिंग कंपनी व्हेन विशाल टुक्का हैड टेकन एज अ सीईओ। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी या ऐसी क्या वजह होगी जिसकी वजह से नारायण मूर्ति हैड टोल्ड विशाल सिक्का टू रिजाइन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक कंपनी का एक बिजनेस एथिक्स होना चाहिए या फिलॉसफी होती है जिसके ऊपर वो कंपनी काम करती है। सो ऑर्गेनाइजेशन का फिलॉसफी या बेसिक एथिक्स, बिजनेस एथिक्स बोले या फिलॉसफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन अ लॉन्ग रन दैट इज ओनली गोइंग टू गिव द सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी नारायण मूर्ति की जो दो अहम बातें थी या उनकी फिलॉसफी थी, उसमें से पहली बात थी या पहली बात है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बिजनेस पे इन्वॉल्व करना नहीं है। नाउ सिंस फ्रॉम द डे वन दे नेवर इन्वॉल्व एनी पॉलिटिकल लीडर इनटू द बिजनेस। मे बी हिज थिंकिंग इज पॉलिटिकल पर्सन विल टेक ओवर द बिजनेस एंड नेचुरली ही विल फोर्स द अदर कंपनी मेंबर्स टू वर्क एज पर द हिज कंडीशंस, और उसकी वजह से बिजनेस में बाद में घाटा हो सकता है या बिजनेस का कंट्रोल टेक्निकल लोगों के हाथों से छूटकर या अपने इथिकल लेवल्स को छूटकर वो किसी अनएथिकल बैकग्राउंड्स में या इसमें जा सकता है। दैट इज वाई नारायण मूर्ति हैड अ क्लियर इंटेंशन नॉट टू हैव एनी पॉलिटिकल पर्सन ऑन द बॉडी और द वन हु कैन डिसाइड द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। और इसी वजह से आप अगर समझ में अगर आपको आता है तो UID यानी हम लोग जो आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसका बेसिकली द पर्सन बिहाइंड UID इज एवरीवन नोज नंदन नीलेकणी। सो नंदन इज ऑल्सो अ को फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस। अगर वो इन्फोसिस में इतने साल काम करते थे तो उसके बावजूद 7-8 साल पहले उन्होंने इन्फोसिस छोड़ के UID यानी कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ UID का काम चालू किया। ये क्यों? तो बेसिकली नारायण मूर्ति हैज टोल्ड हिम दैट वी कैन नॉट टेक एज अ कंपनी दिस UID का वर्क। इफ यू हैव टू टेक एंड डू द हेल्प द गवर्नमेंट, यू बेटर लीव वर्क विद द गवर्नमेंट, डू दैट। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैड एक्चुअली लेफ्ट इन्फोसिस, अदरवाइज इन्फोसिस कुड हैव गॉट दैट जॉब, बट इन्फोसिस डिडंट टेक इट। हु टुक इट इज द दिस थिंग एज नारायण मूर्ति टोल्ड हिम, सो नंदन नीलेकणी हु टुक द जॉब। And everyone knows that it has been executed very successfully by Nandan Nilekani because he was a person who can intellectual as well as he himself is having the business ethics. So he worked for the government and everyone is knowing the success of Aadhaar. So basically what I wanted to say is ki yahan kya ho gaya ki Narayan Murthy ne Infosys ke co-founder member Nilekani ko रिजाइन करके गवर्नमेंट का जॉब करने को बताया। दैट ही नेवर सेड दैट विल टेक दैट बिकॉज गवर्नमेंट की बॉडी का कोई आदमी उनको उनके इसमें नहीं चाहिए था आदमी। सो एनीवे दैट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑन विच नारायण मूर्ति वर्क्स और हिज कंपनी ही वुड लाइक हिज कंपनी टू वर्क। अनदर थिंग इज द डिस्पैरिटी। ये समाज में एक कोई लोगों के पास 5 करोड़ की कार है तो कोई लोगों को 500 रुपया भी दिन में नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के डिस्पैरिटी की वजह से आज ऐसे होने वाला है कि कोई अमीर रास्ते पे उतर नहीं सकता है। इफ ही गेट्स हिज कार ऑन द रोड देन पर्सन हु इज वेरी पुअर ही मे
तो थ्रो अ स्टोन एट हिज कार, और मे बी उसको एक्चुअली किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सकता है वो गरीब आदमी। तो ये समाज में ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से नारायण मूर्ति का सेकंड प्रिंसिपल था कि आदमी जो रूस एवर इज वर्किंग फॉर द इन्फोसिस, दे शुड बी टॉप गाइज, और द ओनली टॉप मैनेजमेंट शुड नॉट गेट द वेल्थ, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द इन्फोसिस। बिकॉज अगर समाज में एवरी वन इज हैप्पी देन द थिंग्स आर बेटर फॉर द सोसाइटी। सो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स, अहम प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस का निर्माण किया है। अभी अगर ये देखते हैं कि इस प्रकार की सोच नारायण मूर्ति क्यों ऐसे सोचते हैं, तो इसीलिए हमको ड्राइवर देखना चाहिए। ड्राइवर बोले तो दोज पीपल हु आर न्यू टू द माई चैनल, उनके लिए मैं बताता हूँ कि बस आपकी बर्थ डेट में डे जो है, यानी इन्फोसिस के नारायण मूर्ति का बर्थडे इज 20th, सो 2 + 0 इज 2, सो हिज ड्राइवर इज 2। लाइक बस को एक ड्राइवर होता है, और वो ड्राइवर जिस प्रकार रोड पे चलता है उस प्रकार हमको देखना है कि रोड कंडीशंस ऑफ द लाइफ हाउ ही सीज इट। सो दो टू इज अ मून, मून इज नथिंग बट द माइंड। सो दिस पर्सन विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम द हार्ट और फ्रॉम द माइंड, ही विल ऑलवेज वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ द पीपल। सो लॉट ऑफ इमोशंस, बिकॉज मून इज कंट्रोल द इमोशंस ऑल्सो, सो हिज डिसीजन विल बी हैविंग लॉट ऑफ इमोशनल वैल्यूज। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि ड्राइवर दो होने की वजह से उनकी इमोशनल वैल्यूज हाई रहेगी, और एक इथिकल लेवल के लिए, इथिकल थिंकिंग और सबके लिए एक साथ लेने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू सी द कंडक्टर, कंडक्टर इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द एंटायर पर डेट। तो जैसे कि आपने, अगर आप ऊपर देखते हैं तो 2 + 8 इज 1, एंड 1946 मीन्स इट इज 2, बिकॉज 10 + 10 = 20, सो इट इज दिस सम टोटल बिकम्स 3, सिंगल डिजिट ऑफ कोर्स आई एम सेइंग, सो विच इज जुपिटर। तो कंडक्टर क्या बताता है, कंडक्टर इज टेलिंग अस कि एंड डेस्टिनेशन क्या है। सी दिस पर्सन वॉन्टेड टू गो टू द जुपिटर, जुपिटर इज वॉट गुरु, गुरु बोले तो he is very auspicious planets, he wants to have the growth but same time he wants everyone to have the satisfaction. So dekho unka jo driver hai it is 2 and conductor is 3 which is Jupiter. Now if you see in his chart, actually earlier I had already put the episode on him saying why he is an engineer and 49er, you know, 492 and other things, and why the success is there and what not. Those we have missed this in the episode, they can check my earlier episode on it, why he is an engineer and why he is doing the business and all those things. But anyway, we are not going details of it right away. What I mean to say is, as everyone knows, 1, 6, 8, these are the wealth numbers. So his chart is having 1, his low sugar grade, of course we have not drawn here, but his birth date contains, dekho unki janmatithi mein 1, 6 aur 8, ye teenon number hai, उसकी वजह से उनको वेल्थ आनी ही है। सो मनी ही वॉज डेस्टिन टू गेट द मनी, तो पैसा उनके पास आना ही है, लेकिन पैसा लाने के लिए या संपत्ति के हासिल करने के लिए वो कौन सा मार्ग इस्तेमाल करते हैं, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द वे ही विल अप्रोच टुवर्ड्स द वेल्थ गेन दैट डिसाइड्स द पाथ एंड दैट डिसाइड्स द एंड सक्सेस। और उसकी वजह से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ द मून एंड जुपिटर, बोथ द प्लैनेट्स आर वेरी गुड प्लैनेट्स, ये ऑस्पिशियस प्लैनेट्स है, सात्विक ग्रह है, जिसकी वजह से ही नेवर थॉट दैट ही विल डू एनी हेराफेरी एंड टेक द कंपनी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो आप जैसे जानते हैं कि इन्फोसिस स्टार्टेड विथ एक्चुअली फ्रॉम द गैराज लॉन्ग बैक, एंड नाउ इट इज हैविंग द offices in all over the world. So itna jo bhi success Infosys ko mila hai, because he was destined to get it, but same time his high ethical business values were there, or those values are behind him, and because of that actually Infosys is working. So what today we are discussing is the high business ethics. Now he has asked Nilekani to rejoin the Infosys. Again, if you have read the newspaper yesterday or day before yesterday, you must have seen that Nilekani said,
I will not take any salary. See, this is very important. Actually, he can take a lot of salary, or he can, of course, he is a multi-billionaire, but still these people don't want to take money because their principle is working on the disparity. They don't want to have the wealth only accumulated to the top guys. They want to penetrate, or they want to distribute this wealth, whichever Infosys earns, to the members or to the engineers or to the company people who are working for the Infosys. As against that, now so Infosys from zero, it became to hero, or it is on the top of the sky. It is everywhere in the world. So we should be proud of Infosys, and we are rather. So that's the basic ethical background which indicated how the company grows. Now as against that, we are going to see another example, which is Satyam Computers. Now what is the difference that, let us see. In case of Satyam Computer, you see the birth date of Ramalinga Raju, Bayya Raju, of course his name is first is Bayya Raju. So it is Ramalinga Raju who could see 16th September 1954. As easily those who are familiar with my channel, they must be seeing that there is a 456 link. So anyway, this person will be, get something different. He will get the success. Success chances at early age are there because 456 link is already set up, got a set up that for him. Anyway, again 168 is also there because his conductor is 8 and driver is 7. So we'll discuss that about that now. But since 168 wealth numbers are also there, that also indicates ki inhe bhi paisa milna hai. So both of these guys, Ramalinga Raju and Narayan Murthy, both were destined to get the wealth. लेकिन ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इन्होंने अलग मार्ग इस्तेमाल किया, जो जिसकी वजह से इनको इम्प्रिजनमेंट हो गई, 7 साल की कैद वो भुगत चुके हैं ऑलरेडी, और ये ऐसे क्यों हुआ? तो अगेन इसके लिए हमको वो कंडक्टर ड्राइवर की स्टोरी याद करनी पड़ेगी. सो इनके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ड्राइवर इज 7, 116 इज बॉर्न 16, सो वी से 7. 7 इज द केतु. केतु एज यू सी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगा कि उसको सिर्फ नीचे की शरीर है, उसको टॉप और हेड इज नॉट देयर, सो इट इज ओनली बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट. सो व्हाट इट इट इज इंडिकेटिंग कि समथिंग केतु, इट इज हेडलेस मींस लॉट ऑफ ऑब्सेशन. सी, अगर आपको किसी भी चीज का ऑब्सेशन है, आपका दिमाग बाजू में या आपका ये निकाल के आप सोचते हो, कभी सोचते हो, लॉट ऑफ ऑब्सेशन इज देयर. ये कोई भी चीज हासिल करने के लिए आप इतने बेकाबू हो गए, समझो कि आपको दिमाग ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं ऑब्सेशन, या बहुत स्ट्रांग इच्छा जिसकी वजह से आप ये कर सकते हो. जैसे कि सपोज आपका बाहर में अफेयर चालू है, तो आप किसी लड़की को, आप शादीशुदा हो और किसी लड़की को आप घर में लाके उसके साथ व्यवहार कर रहे हो, ऑल सोसाइटी, समाज, आपके माताजी पिताजी सब लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड बाय दैट फीमेल विच यू हैव गॉट एट होम. मे बी योर वाइफ इज कंप्लेनिंग, एवरी वन इज कंप्लेनिंग, बट यू डोंट वॉन्ट टू लिसन बिकॉज द ऑब्सेशन. सो दिस प्रकार केतु इज हेडलेस. What it indicates, again remember that Rahu is the head and Ketu is headless, but Ketu is a guru. Ketu and Venus, they are guru shishya. What I mean to say is Venus and Ketu in a luxury, so person wants to get the wealth, because 6 is nothing but the wealth number, so lot of wealth he is interested. Now the conductor comes as a 7 plus 9, so that is 16, which is 7, and again this is 1 plus 9 plus 19, so 1, so 8, so conductor is 8. Now 8 is what? 8 is again a wealth number, so he's headless. So what driver and conductor are indicating? That he is desperate to get the wealth, and it is what he wanted to get is a fixed wealth. Now what is the difference between 1, 6 and 8? Since you people are now continuously watching my channel, I am putting you to the slowly to the higher level of it. So 1, 6, 8 all are wealth number. What is 6? This is of course the metal number. So 6 आपके पास जो जड़ जवाहर रहते हैं, या दागिने बोलते हैं इसको, गहने. So all this wealth is in the format of the
gahina or whatever that jewelry and all that is comes under 6, while 8, as you have seen my earlier episode, it is a fixed assets. So it's the property. Now a lot of people are knowing that Satyam Computer, this fellow Ramalinga Raju was pumping out the wealth from the Satyam Computers to the Mitas. If you take the ulta spelling of Satyam, then it is a Mitas, which is nothing but the company which he formed in the real estate. So he was, of course, he was manipulating the accounts and showing it and getting the wealth generated. And of course, since his way of getting the wealth was wrong, he was forced to go to the prison and all anyway. So basically, aaj hum log kya dekhne wale dekha hai ki how the persons, driver and conductors force him to get into the track and how that decides the values, ethical values of the person. So dosto, agar aap kisi ke saath partnership karna chahte ho, ya aap kisi ke saath maitri karna chahte ho, ya aap kisi organization mein काम करना चाहते हो तो डोंट जस्ट गो एंड ज्वाइन हिम और जस्ट डोंट टेक एनी पार्टनर एंड स्टार्ट द बिजनेस. आप देखो कि ये जो मैं पार्टनर ले रहा हूँ इसकी इथिकल वैल्यूज कैसी है. ओनली ड्राइवर टू ड्राइवर क्लैश होने की वजह से नहीं, आपको ऐसा भी देखना है कि फाइनली कंपनी कहाँ हेड करेगी. अगर इससे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सुकून से रह पाऊंगा या नहीं. इसलिए इसका एप्लीकेशन लॉट ऑफ प्लेसेस वी कैन डू. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस एपिसोड. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वास्तुवेश चैनल. वी आर टेकिंग स्लोली टू द हायर लेवल. नेक्स्ट एपिसोड विल बी ऑन हर्षद मेहता एंड एवरीवन नोज हु इज हर्षद मेहता. इंडियंस एटलीस्ट दे नो हर्षद मेहता इज ब्रीफली आई विल टेल यू ही इज द स्टॉक मास्टर. दिस थिंग लॉट ऑफ स्कैम ही डिड इन स्टॉक्स एंड ऑल. BSE banned him later on. He made a lot of money out of stock exchange BSE and NSE by manipulating or the using the rules or violating the rules, you know, or the problems in that. So ambiguities of the rules he used intellectually. He was intellectual, of course, no doubt. But as I guess Warren Buffett, who is a stock master guru, so both of them on the wealth. But the routes or the paths which they chose were different. So again, ethical behavior mein dusra episode hum log wo dekhne wale hai. Thanks for watching my channel, Vastuyash. Thank you very much. Thanks.